ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हे बाबा, हे साईं, आज श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 38 का पठन होने जा रहा है। हे गुरुदेव, आपके चरणों में प्रार्थना है कि ये अध्याय सभी के लिए हितकारी हो, सभी को इसका फल मिले। जो भी इसका श्रवण कर रहा है उसको इसका फल मिले, उसका जीवन सफल हो। आइए अध्याय 38 शुरू करते हैं। बाबा की हांडी। नाना साहेब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा, नैवेद्य वितरण, छाछ का प्रसाद। गत अध्याय में चावड़ी के समारोह का वर्णन किया गया है, अब इस अध्याय में बाबा की हांडी तथा कुछ अन्य विषयों का वर्णन होगा। प्रस्तावना। हे सद्गुरु साईं, तुम धन्य हो, हम तुम्हें नमन करते हैं। तुमने विश्व को सुख पहुंचाया और भक्तों का कल्याण किया। तुम उदार हृदय हो, जो भक्तगण तुम्हारे अभय चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं, तुम उनकी सदैव रक्षा एवं उद्धार किया करते हो। भक्तों के कल्याण और परित्राण के निमित्त ही तुम अवतार लेते हो। ब्रह्म के सांचे में शुद्ध आत्मा रूपी द्रव्य ढाला गया और उसमें से ढलकर जो मूर्ति निकली वही संतों के संत श्री साईं बाबा हैं। साईं स्वयं ही आत्मा राम और चिर आनंद धाम हैं। इस जीवन के समस्त कार्यों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निष्काम और मुक्त किया। आइए अब पढ़ते हैं बाबा की हांडी। मानव धर्म शास्त्र में भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न साधनाओं का उल्लेख किया गया। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महात्म्य है। सर्व प्रकार के दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। जब मध्याह्न के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता तब हम विचलित हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति अन्य प्राणियों की अनुभव कर जो किसी भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है वही श्रेष्ठ दानी है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है और उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उससे ही वे जीवित रहते हैं और मृत्यु के उपरांत उसी में लय भी हो जाते हैं। जब कोई अतिथि दोपहर के समय अपने घर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन कराएं। अन्य दान जैसे धन, भूमि और वस्त्र इत्यादि देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है, परंतु अन्न के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। दोपहर के समय कोई भी अपने द्वार पर आए उसे शीघ्र भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है। प्रथमतः लूले, लंगड़े, अंधे या रुग्ण भिखारियों को, फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्थ हैं, और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्य सभी की अपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का महत्व अधिक है। अन्नदान के बिना अन्य सब प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण हैं जैसे कि चंद्रमा बिना तारे, पदक बिना हार, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ति रहित भजन, सिंदूर रहित सुहागिन, मधुर स्वर विहीन गायन, नमक बिना भोजन। जिस प्रकार अन्य भोज्य पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है उसी प्रकार समस्त दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। अब देखें कि बाबा किस प्रकार भोजन तैयार कराकर उसका वितरण किया करते थे। हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो भी खाते थे वह उन्हें केवल दो ग्रहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था। परंतु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और ना ही किसी को इस संबंध में कष्ट ही दिया करते थे। प्रथमतः वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं, अनाज, आटा, नमक, मिर्ची, जीरा, खोपरा और अन्य मसाले आदि वस्तुएं नगद दाम देकर खरीद लाया करते थे। यहाँ तक कि पीसने का कार्य भी वे स्वयं ही किया करते थे।
मस्जिद के आंगन में ही एक भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके हांडी में ठीक नाप से पानी भर देते थे। हांडी दो प्रकार की थी, एक छोटी और दूसरी बड़ी। एक में 100 और दूसरी में 500 व्यक्तियों का भोजन तैयार हो सकता था। कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्रित चावल पुलाव बनाते थे। कभी कभी दाल और मुटकुले भी बना लेते थे। पत्थर की सील पर महीन मसाला पीसकर हांडी में डाल देते थे। भोजन रुचिकर बने इसका वे भरसक प्रयत्न किया करते थे। ज्वार के आटे को पानी में उबालकर उसमें छाछ मिलाकर अम्बिल आमटी बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते थे। भोजन ठीक बन रहा है या नहीं यह जानने के लिए वे अपनी कफनी की बाहें ऊपर चढ़ाकर निर्भय होकर उबलती हांडी में हाथ डाल देते और उसे चारों ओर घुमाया करते थे। ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर कोई जलन का चिन्ह और ना चेहरे पर कोई पीड़ा की रेखा प्रतीत होती थी। जब भोजन तैयार हो जाता तब वे मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवी से फातिया पढ़ने को कहते थे। फिर वे महालसापति तथा तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग पृथक रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे। सचमुच वे लोग धन्य थे। कितने भाग्यशाली थे वे जिन्हें बाबा के हाथ का बना और परोसा हुआ भोजन खाने को प्राप्त हुआ। यहाँ कोई ये शंका कर सकता है कि क्या वे शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थ का प्रसाद सभी को बांटा करते थे। इसका उत्तर बिल्कुल सीधा और सरल है। जो लोग मांसाहारी थे उन्हें हांडी में से दिया जाता था तथा शाकाहारियों को उसका स्पर्श तक न होने देते थे। ना कभी उन्होंने किसी को मांसाहार का प्रोत्साहन ही दिया और ना ही उनकी आंतरिक इच्छा थी कि किसी को इसके सेवन की आदत लग जाए। यह एक अति पुरातन अनुभूत नियम है कि जब गुरुदेव प्रसाद वितरण कर रहे हो तभी यदि शिष्य उसके ग्रहण करने में शंकित हो जाए तो उसका अधपतन हो जाता है। यह अनुभव करने के लिए कि शिष्यगण इस नियम का किस अंश तक पालन करते हैं वे कभी कभी परीक्षा भी लिया करते थे। उदाहरणार्थ एक एकादशी के दिन उन्होंने दादा कैलकर को कुछ रुपए देकर कुछ मांस खरीद लाने को कहा। दादा कैलकर पूरे कर्मकांडी थे और प्रायः सभी नियमों का जीवन में पालन किया करते थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि द्रव्य अन्न और वस्त्र इत्यादि गुरु को भेंट करना पर्याप्त नहीं है, केवल उनकी आज्ञा ही शीघ्र कार्यान्वित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। यही उनकी दक्षिणा है। दादा शीघ्र कपड़े पहनकर एक थैला लेकर बाजार जाने के लिए उद्यत हो गए। तब बाबा ने उन्हें लौटा दिया और कहा कि तुम ना जाओ, अन्य किसी को भेज दो। दादा ने अपने नौकर पांडू को इस कार्य के निमित्त भेजा। उसको जाते देखकर बाबा ने उसे भी वापस बुलाने को कहकर यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा कि देखो तो नमकीन पुलाव कैसा पका है। दादा ने यूं ही मुंह देखी कह दिया कि अच्छा है। तब वे कहने लगे कि तुमने ना अपनी आंखों से ही देखा और ना जीवा से स्वाद लिया, फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि उत्तम बना है। थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो। बाबा ने दादा की बाँह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले, थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चख कर देखो। जब माँ का सच्चा प्रेम बच्चे पर उमड़ आता है तब माँ उसे चिकोटी भरती है, परंतु उसका चिल्लाना या रोना देखकर वह उसे अपने हृदय से लगाती है। इसी प्रकार बाबा ने सात्विक मात्र प्रेम के वश हो दादा का इस प्रकार हाथ पकड़ा। यथार्थ में कोई भी संत या गुरु कभी भी अपने कर्मकांडी शिष्य को वर्जित भोज्य के लिए आग्रह करके अपनी अपकीर्ति कराना पसंद ना करेगा। इस प्रकार ये हांडी का कार्यक्रम सन 1910 तक चला और फिर स्थगित हो गया। जैसा पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, दासगुरु ने अपने कीर्तन द्वारा समस्त बंबई प्रांत में बाबा की अधिक कीर्ति फैलाई। फलतः इस प्रांत से लोगों के झुंड शिरडी को आने लगे और थोड़े ही दिनों में शिरडी पवित्र तीर्थ क्षेत्र बन गया। भक्तगण बाबा को नैवेद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लाते थे, जो इतनी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता था कि फकीरों और भिखारियों को संतोषपूर्वक भोजन कराने पर भी बच जाता था।
नैवेद्य वितरण करने की विधि का वर्णन करने से पूर्व हम नाना साहेब चांदोरकर की उस कथा का वर्णन करेंगे जो स्थानीय देवी देवताओं और मूर्तियों के प्रति बाबा की सम्मान भावना की द्योतक हैं। नाना साहेब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा। कुछ व्यक्ति अपने कल्पना के अनुसार बाबा को ब्राह्मण तथा कुछ उन्हें यवन समझा करते थे, परंतु वास्तव में उनकी कोई जाति ना थी। उनकी और ईश्वर की केवल एक जाति थी। कोई भी निश्चय पूर्वक यह नहीं जानता कि वे किस कुल में जन्मे और उनके माता पिता कौन थे। फिर उन्हें हिंदू या यवन कैसे घोषित किया जा सकता है? यदि वे यवन होते तो मस्जिद में सदैव धुनी और तुलसी वृंदावन ही क्यों लगाते और शंख घंटे तथा अन्य संगीत वाद्य क्यों बजने देते? हिंदुओं की विविध प्रकार की पूजाओं को क्यों स्वीकार करते? यदि सचमुच यवन होते तो उनके कान क्यों छिदे होते तथा वे हिंदू मंदिरों का स्वयं जीर्णोद्वार क्यों करवाते? उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियों तथा देवी देवताओं की जरा सी भी अपेक्षा भी कभी सहन ना की। एक बार नाना साहेब चांदोरकर अपने साडू साली के पति श्री बिनिवले के साथ शिरडी आए। जब वे मस्जिद में पहुंचे, बाबा वार्तालाप करते हुए अनायास ही क्रोधित होकर कहने लगे कि तुम दीर्घ काल से मेरे सानिध्य में हो, फिर भी ऐसा आचरण क्यों करते हो? नाना साहेब प्रथमतः इन शब्दों का कुछ भी अर्थ ना समझ सके, अतः उन्होंने अपना अपराध समझाने की प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि तुम कब कोपरगांव आए और फिर वहां से कैसे शिरडी आ पहुंचे? तब नाना साहेब को अपनी भूल तुरंत ही ज्ञात हो गई। उनका यह नियम था कि शिरडी आने से पूर्व कोपरगांव में गोदावरी के तट पर स्थित श्री दत्त का पूजन किया करते थे, परंतु रिश्तेदार के दत्त उपासक होने पर भी इस बार विलंब होने के भय से उन्होंने उनको भी दत्त मंदिर जाने से हतोत्साहित किया और वे दोनों सीधे शिरडी चले आए थे। अपना दोष स्वीकार कर उन्होंने कहा कि गोदावरी में स्नान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण अधिक कष्ट हो गया था। बाबा ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा दंड था और उन्हें भविष्य में ऐसा आचरण के लिए सदैव सावधान रहने की चेतावनी दी। नैवेद्य वितरण। अब हम नैवेद्य वितरण का वर्णन करेंगे। आरती समाप्त होने पर बाबा से आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर जब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते, तब बाबा पर्दे के भीतर प्रवेश कर निम्बर के सहारे पीठ टेक कर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते थे। भक्तों की दो पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी। भक्तगण नाना प्रकार के नैवेद्य पूरी मांडे पेड़ा बर्फी बांसुदी उपमा सांझा अंबे मोहर भात इत्यादि थाली में सजा सजा कर लाते और जब तक वे नैवेद्य स्वीकार ना कर लेते तब तक भक्तगण बाहर ही प्रतीक्षा किया करते थे। समस्त नैवेद्य एकत्रित कर दिया जाता तब वे स्वयं भगवान को नैवेद्य अर्पण कर स्वयं ग्रहण करते थे। उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतीक्षा करने वालों को देकर शेष भीतर बैठे हुए भक्त पा लिया करते थे। जब बाबा सबके मध्य में आविराजते तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते थे। बाबा प्रायः श्यामा और निमोड़कर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रत्येक की आवश्यकता का सावधानी पूर्वक ध्यान रखने को कहते थे। वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष से करते थे। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक ग्रास भक्तों को पोषक और संतोषदायक होता था। कितना मधुर पवित्र प्रेम रसपूर्ण भोजन था वह, सदा मांगलिक और पवित्र। अब आगे पढ़ते हैं छाछ यानी मट्ठा का प्रसाद। इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हेमाडपंत पूर्णतः भोजन कर चुके तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ पीने को दिया। उसके श्वेत रंग से वे प्रसन्न तो हुए, परंतु उदर में जरा सी भी गुंजाइश ना होने के कारण उन्होंने केवल एक घूंट ही पिया। उनका यह उपेक्षात्मक व्यवहार देखकर बाबा ने कहा कि सब पी जाओ, ऐसा सुअवसर अब कभी ना पाओगे। तब उन्होंने पूरी छाछ पी ली, किंतु उन्हें बाबा के सांकेतिक वचनों का मर्म शीघ्र ही विदित हो गया, क्योंकि इस घटना के थोड़े दिनों के पश्चात ही बाबा समाधिस्थ हो गए। पाठकों, अब हमें अवश्य ही हेमाडपंत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो छाछ का प्याला पिया, परंतु वे हमारे लिए
यथेष्ट मात्रा में श्री साई लीला रूपी अमृत दे गए। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु, शुभम भवतु, ओम साई राम।